जिला यमुनानगर से आज की एक और बड़ी ब्रेकिंग। भारत सेवक नगर के रहने वाले महिपाल उर्फ राजू उर्फ डॉन की बेरहमी के साथ हत्या करने वाले हत्यारे की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, हत्यारे के द्वारा मारने वाले को मारने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। पहले तो लगातार ईंटें मार मार कर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद जब उसकी सांसें चल रही थी तो पहले तो गैस पाइप के द्वारा उसका गला घोटने की कोशिश की गई, और उसके बाद आखिर में जाकर बाइक के क्लच की जो चेन है उसके द्वारा गले में उसके चेन डालकर उसका गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। डॉन मरने वाले का जो नाम था वो डॉन था, क्योंकि भारत सेवक नगर में महिपाल के जो चर्चे थे वो डॉन के नाम से थे। तो आप देख सकते हैं यही वो आरोपी है जिसके द्वारा भारत सेवक नगर के रहने वाले 40 वर्षीय महिपाल की निर्मम हत्या की गई थी। जी हां, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जगाधरी सिटी एसएचओ जनकराज और उनकी टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है, क्योंकि अभी तो इस हत्याकांड मामले को एक हफ्ता भी नहीं बीता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है, और भारत सेवक नगर के रहने वाले दीपा को, जी हां, दीपक उर्फ दीपा को हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर इसे लिया जाएगा ताकि आगे के लिए इसे पूछताछ की जा सके। तो 40 साल की इसकी उम्र है, और पहले इन दोनों ने जिस दिन इसने मरने वाले की हत्या की, पहले उसके साथ इसने शराब का सेवन किया, गली में खड़े होकर दोनों में गाली गलौज हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो ऊपर सैलून के ऊपर छत पर जाकर लड़ाई झगड़े के दौरान दीपा के द्वारा महिपाल उर्फ राजू उर्फ डॉन की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो जिला यमुना नगर से आज की बड़ी ब्रेकिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भारत सेवक नगर के रहने वाले महिपाल की हत्या के केस में आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये वही हत्यारा आरोपी है जिसने मारने वाले को मारने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए थे, या अलग अलग तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया था। तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों को जगाधरी से दिखा रही हूँ, और इसी के चलते जगाधरी सिटी थाना के जो प्रभारी जनकराज हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार जनकराज जी से पूरा मामला जरूर जान लेती हूँ कि आने वाले समय में क्या अमल में लाई जाती है। तो जनकराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जनकराज जी से बातचीत जरूर कर लेती हूँ। जनकराज जी, क्या मामला सामने आया है? एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है, क्या है ये पूरा मामला? हमें 2 अगस्त को अपना बार सेवक नगर से सूचना मिली थी कि वहाँ छत पे ना एक नाई की दुकान है, पुरकान नाई की, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। तो हम वहाँ तुरंत मौके पे पहुँचे, मौके पे हमारे DSP श्री राजेश कुमार जी, सीन ऑफ क्राइम टीम जी और अपना अन्य स्टाफ वहाँ पे पहुँचे, और हमने उसको डेड बॉडी को वहाँ से अपना पहचान कराया, जिसकी अपना पहचान महिपाल उर्फ डॉन उर्फ राजू के रूप में जो बार सेवक नगर में रहता था। तो उसमें हमने फर्दर उसमें अपना जाँच की, तफ्तीश की, और कल जाके हमने इसमें आरोपी है जो वहीं बार सेवक नगर का रहने वाला है दीपक उर्फ दीपा, और जो अपना ट्रक ड्राइवर का काम करता है, इसको गिरफ्तार किया और इससे पूछताछ की। इसने पूछताछ पे अपना जुर्म कबूल कर लिया, और 1 तारीख की और 2 तारीख की रात को ही इसने वहाँ छत पे पहले तो उसके सिर में ईंट मारी, फिर उस अपना एक अपना गैस पाइप है उससे उसका गला घोटने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अपना क्लच की तार से इसका पूरी तरह से गला घोट दिया था। सर, मरने वाले का जो नाम है वो महिपाल और राजू तो सामने आ रहा था, लेकिन ये डॉन एकदम से सामने कैसे आया? जी, वो अपना कॉलोनी में हमें पूछताछ की, उसको कॉलोनी में जो अपना बाहर सेवक नगर में डॉन ही बोलते हैं। सर, पहले भी इनकी कभी लड़ाई हुई है? नहीं, पहले कभी इसकी हमें ऐसी सूचना तो नहीं मिली, लेकिन आमतौर पर दारू पी के गली में झगड़ा वगैरह होने की बात सामने आई। तो दीपक को सर गिरफ्तार कहाँ से किया गया? ये हमने अपना जेल बाईपास चौक से गिरफ्तार किया। ये दोनों दोस्त थे? जानकार थे, दोस्त नहीं हम कह सकते। तो सर, अब कितने दिन के रिमांड पर लिया गया? हम अपना माननीय अदालत में इसको पेश करके अपना 2 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे और आगे अपना इसमें अनुसंधान करेंगे। तो इस समय की बड़ी खबर मैं आपको जगाधरी के सिटी थाना से दिखा रही हूँ। जी हाँ, सिटी थाना SHO जनकराज और उनकी टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है। भारत सेवक नगर के रहने वाले महिपाल उर्फ राजू उर्फ डॉन की हत्या के केस में हत्यारे की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद इसे 2 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। और हत्यारे के द्वारा जिसकी हत्या की जाती है उसे मारने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। जी हाँ, पहले तो ईंटें पत्थर बरसाए गए थे, उसके
बाद गैस के पाइप के द्वारा उसका गला घोटने का प्रयास किया गया, और उसके बाद भी जब उसकी सांसें चल रही थी तो उसकी बाइक की जो क्लच की वायर है उसके द्वारा उसका गला घोट कर बहरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। तो भारत सेवक नगर के रहने वाले महिपाल की हत्या के केस में बड़ा जो खुलासा है वो सामने आ चुका है। तो दोस्तों अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कर की रिपोर्ट।